होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, पर उसके ऊपर एक बहुत चर्चा नहीं होती। हर एक व्यक्ति को एक इच्छा है कि हमारा समाज यूनाइट हो और यूनाइट होकर साथ में सब जगह में हमारा समाज काम करे और प्रगति करे, बट हम लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए जैसी चाहिए वैसी प्रगति हो नहीं है। वंस वी आर यूनाइटेड वी आर एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी बहुत वक्ता ने बताया कि परसेंटेज ऑफ वोट जो 40% हम लोग के पास है, ये जो परसेंटेज ऑफ वोट एक जेंटलमैन ने बताया, आपने ही बताया, तो वो रियली इट इज द रियलिटी, वो भी हम हासिल करते हैं तो भी हमारा समाज एक पावर में आ सकता है। तो वो कैसे आ सकता है, तो आप मैडम से शुरुआत करता हूँ, प्लीज आप अपनी राय बताइए। हमारी जो आज की सामाजिक समस्या है, वी आर ऑल डाइवर्सिफाइड, सब दिखे हुए हैं, तो उनको यूनाइट कैसे किया है, जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो बहुजन पार्टी है, क्योंकि हमें आज आपका हमें पॉलिटिकल पावर के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अनलेस वी हैव द पॉलिटिकल पावर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इन द पॉलिसी मेकिंग। एवरीवेयर पॉलिसी मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम जब पॉलिसी ड्रॉप करेंगे तो हमें हक बनेगा कि हम हमारे लोग के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो आज लैकिंग है। वो पिपा की यूनिवर्स पावर, हाउ वी कैन यूनाइटेड, इफ यू आर यूनाइटेड वी गेट द पावर डेफिनेटली। तो आप आपकी राय बताइए। बहुजन पार्टी, बहुजन पार्टी, बहुजन पार्टी से तो उनकी अपनी अपनी समस्याएं करने में बात ज्यादा है। तो एक्चुअली क्या है, अब हमने किसी को वोट दिया है, लेकिन हमें हम उनकी जो जवाब दे लिए हम नहीं घोषित कर पाएंगे। तो एक तो हम उनसे पर एजेंडा उनका क्या है इस पर बात करेंगे। दूसरे के लिए अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो आपको हमारे लिए काम करना होगा। उसके अलावा जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जिस भी वजह से, तो उनपे हम आज जाकर उनको घेरे, उनसे सवाल पूछेंगे, आखिर आपने क्या बचत की, आप पर हमने विश्वास किया, अपने मुद्दे लेकर वहां भेजा था, तो आपने हमारे इन पे काम क्यों नहीं किया, आपकी जवाबदेही है। और हम सबसे पहले जो है कि उनको वापस बुलाए, ये अधिकार में मिलना चाहिए। जो भी जैसे अभी कार्ड जो हुआ है तो जो उन्होंने 26-27 जनवरी में जो यहाँ के शिक्षा मंत्री ने ये आदेश पारित किया था कि सरस्वती की पूजन होना चाहिए, तो वो हमारे ही लोग, आखिर वो क्या वजह है कि वो इतना डरे हुए हैं कि वो मतलब संविधान के दायरे से बाहर जा सके। अब असम के साथ में पॉलिसी मेकिंग कर रही है, तो एक दूसरी वजह मैं ये समझती हूँ कि शायद उनको जो है हमें मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज मजबूत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मेरा ये मैसेज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी बड़े पद पर है, चाहे वो नेता है या बड़े किसी भी पद पर है या बहुत धनवान भी है, लेकिन वो उतना ही कमजोर है जितना कि उसका समाज कमजोर है। तो हमें पहले समाज को भी साथ साथ में मजबूत करना है, जिससे कि हमारे नेता का वहां पहुंचे तो हम डरे नहीं, वो पीछे। आपकी बात सही है, तो आपने बोला कि हमें उनको जैसे उनसे बात करनी चाहिए, तो उनसे कौन बात करे? हम प्रतिनिधि बनाए। हाँ, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इंडिविजुअली जाके किससे बात नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसे एक सॉलिड फोर्स चाहिए, सॉलिड थिंक टैंक चाहिए, और एक प्रेशर ग्रुप चाहिए जो उनके साथ बात कर सके। पर उनके साथ बात करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा चाहिए, कुछ डाटा चाहिए ना, आप कौन से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि हम उनके साथ कैसे बात करें, आई टू आई लाइन कॉन्टेक्ट कैसे करें, आपकी बात हमारी बात कैसे ठोस, इसमें उनको कन्विंसिंग कैसे हो सकती है, इसके बारे में आज का जो मुद्दा है, हाउ टू यूनाइट
the various provision parties. Our very purpose is unite. So we need to first of all identify the requirement. किस को यूनाइट करना, किस लिए यूनाइट करना, और यूनिटी का पैरामीटर्स क्या होने चाहिए. तो हमें आइडेंटिफाई करनी है बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर्स व्हिच आर द ऑल पार्टीज व्हिच कैन मीट दैट रिक्वायरमेंट. तो हमें यूनिटी के लिए पहले वो हर पार्टी को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी पार्टियां इस स्थिति में है और इनकी क्या कैपेसिटी है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्या उनकी सोशल स्ट्रेंथ है और क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है फील्ड में. अगर हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले हमें उन पार्टी मान लीजिए 100 पार्टियां हैं और हमारा पर्पस 10 या 15 पार्टियों से हो सकता है तो हम उन पार्टियों को यूनाइट करने की जरूरत है. नॉट एवरी डुप्लीकेट हैरी इज रिक्वायर्ड टू बी यूनाइटेड. तो हमें जरूरी है कि सारी पार्टियां जो हमारा पर्पस सर्व करती है उनको यूनाइट करने की जरूरत है क्योंकि आज जो है अगर यूनाइट नहीं रही तो हमारी जिस तरीके से हर फील्ड में अखबारी हो रही है बैठक ने भी एक फील्ड ऐड किया था तो जो आवाज उठानी है उनकी कैपेसिटी असेसमेंट करनी है. अगर उनको वो मौका दिया जाता है कि वो हमारी आवाज बने तो हमारी आवाज बनने के लिए उनको हमारे लिए वो वोट गेन करें, वोटर को वोट करना हमारे नुमाइंदे को वहां सत्ता में पहुंचाए. तो क्या हमारे उनके पास में कैपेसिटी है, क्या उनका एजेंट बूथ पर बूथ मैनेजमेंट में कैपेबल है, क्या वो इलेक्शन मैनेजमेंट में कैपेबल है, बूथ मैनेजमेंट में क्या उनका बूथ का एजेंट कितना कैपेबल है, क्या सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैनेज कर सकता है, सुबह में जब वॉक टाइम होता है तो उस टाइम में क्या उनका उनके पास में एजेंट है, क्योंकि ये अगर 14 घंटे की ड्यूटी करनी है तो कम से कम 2 चाहिए, क्या शाम को 17C फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम में उनके लिए वो कैपेबल है कि वो बंदा जो एजेंट है उनका कैपेबल दिया जाए. तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें ऐसी पार्टीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत है जो सुबह में मॉक ट्रायल देखिए अगर मॉक ट्रायल में क्योंकि 4 मॉक ट्रायल अलाउड है जिसमें 50 वोट एक मॉक ट्रायल में होते हैं तो 200 वोट मॉक ट्रायल में जनरेट किए जा सकते हैं. अगर ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 300 गाँव होते हैं, 300 गाँव में अगर उन्होंने 200 वोट जनरेट करे तो 60,000 वोट जनरेट कर सकते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड किए. अगर वो 20% जगह में भी अगर सक्सेसफुल हो गए तो 20% आप समझते हैं 12,000 वोट इधर का उधर हो सकता है तो ये 24,000 वोट का फर्क आ सकता है. इसी तरीके से 17C फॉर्म के लिए भी उनको कैपेबिलिटी करना चाहिए. उसके बाद में क्या उनके पास में कैपेसिटी है कि जब वोट काउंटिंग में के टाइम में क्या वो 300 बूथ का पेपर 17C फॉर्म लेके जाता है. तो मुझे लगता है मुझे इन सारे मुद्दों पर अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी चाहिए. क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्या वो एजेंट हायर कर सकता है, क्या वो और कितना वो अमेरिक राइट है. सबसे बड़ा तो हमारा मिशन अमेरिक राइट. आपके जो पॉइंट है परफेक्ट है. क्या है कि आज ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन पार्टी है दे आर नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड. जैसे RSS इज मैनेज्ड बाय बीजेपी को मैनेज करती है RSS. कांग्रेस के पास भी अच्छा संगठन है तो उनके पास एक ठीक टैंक है, बैकअप है. तो हम क्यों नहीं इनकी बैकअप बने. आप बोल रहे हैं इसके बारे में तो उनकी वीकनेसेस हमें मालूम है तो वरिंदर भी हम क्यों नहीं उनको सपोर्ट करें ना? क्योंकि उनके पास पैसा है या नहीं है ये राइट सेकेंडरी. हम लोग मैन पावर है ना. तो ये संगठन बन के जैसे मंजूर साहब ने बताया था सुबह कि पूरा इंडिया में छोड़ देखो आपका मोहल्ला देखो मोहल्ले में 30 लोग आइडेंटिफाई करो और ग्राउंड लेवल पे काम करो. हम उस एरिया में सुप्रीम बहुजन पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है तो सपोर्ट करो ना उनको. ऐसा नहीं कि जो स्ट्रांग पार्टी उस एरिया में उसको सपोर्ट करो. हमें कोई भी हालत से प्रकारे हमें पावर में आना है भले कोई भी पार्टी हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हमारे बहुजन लोग आएंगे तो हमारा वॉइस बनेगा ना सब जगह में. तो आपकी राय बराबर है तो खाली हमें
आगे आपको ये करना पड़ेगा। खाली सोशल अपनी बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी उसके ऊपर नहीं, तो हमें उनके साथ जाकर, उनके पास जाकर हमें ये प्रपोजल देना पड़ेगा, वी आर विथ यू, वी विल बी योर थिंक टैंक, वी विल बी योर बैकअप लाइक आरएसएस। ऐसा कर सकते हैं ना हम, हर एरिया में कर सकते हैं कि नहीं? तो हम उनके ऊपर निर्भर रहे के लिए होने वाला नहीं है, वी हैव टू कम फॉरवर्ड आल्सो। ओके, हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।